जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। मैं सिंह चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूँ आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 30 में। ग्रुप थ्योरी का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है, सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है, पेपर नंबर 6 चल रहा है, ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, ठीक है, बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स वालों के लिए है, बीटेक वालों के लिए है, बीई वालों के लिए है। अब चलिए आगे आइए लेक्चर नंबर 30 पे। आज जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, कैलिन्स फोर ग्रुप, यानी कि इसी को भी फोर ग्रुप भी कहते हैं। तो बहुत जन इसको कैलिन्स ग्रुप भी कहते हैं, कोई इसको क्लिन्स ग्रुप भी कहता है ना, क्लिन्स फोर ग्रुप है ना, वी फोर। तो अलग अलग लोगों की जमा पर अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, तो मैं तो कैलिन्स कहता हूँ है ना, जो भी है कैलिन्स फोर ग्रुप है ना, या कैलिस ग्रुप भी कहिए ना, क्लिन्स फोर ग्रुप बी फोर है। ये क्या होता है इस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये तो ग्रुप है, अब ये कैसा अपना जो है कि बिहेवियर शो करता है, इसके बिहेवियर को चलिए देखते हैं स्टेटमेंट की मदद से। लेट जी बराबर कोई सेट है और उसके अंदर ई ए बी सी एलिमेंट्स है, इस प्रकार का, इसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए, ई ए बी सी होना चाहिए, एक आइडेंटिटी एलिमेंट होना ही चाहिए, कहने का मतलब, और ए बी सी टाइप का होना चाहिए, और ए बाइनरी ऑपरेशन ओ इज डिफाइंड, और एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड होना चाहिए इन जी पर, जी पर होना चाहिए बाय, इस प्रकार से कि कोई भी एक एलिमेंट को, इस सेट में से कोई भी एक एलिमेंट को उठा लेंगे, ए उठा लेते हैं, तो ए ए में अगर ऑपरेशन ओ करेंगे, चाहे बी बी में ऑपरेशन ओ करेंगे, या सी सी में ऑपरेशन सी करेंगे, या ई ई में ऑपरेशन ओ करेंगे, तो हर हालत में हमको आइडेंटिटी मिलना चाहिए। ये पहला प्रॉपर्टी है कैलिन्स ग्रुप का। और दूसरा क्या है, तीन ठो प्रॉपर्टी है, और दूसरा क्या है, ए और बी के साथ अगर हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे, चाहे बी और ए के साथ लगाएंगे तो सी आना चाहिए, और बी और सी के साथ लगाएंगे, चाहे सी और बी के साथ लगाएंगे तो ए आना चाहिए, सी और ए के साथ लगाएंगे, चाहे ए और सी के साथ लगाएंगे तो बी आना चाहिए। तीसरा प्रॉपर्टी, ई और ए के साथ अगर ऑपरेशन लगाएंगे, चाहे ए और ई के साथ लगाएंगे, तो हर हालत में ए आना चाहिए, यानी कि कम्यूटेटिविटी को देखिए, यहाँ पर लग रहा है कम्यूटेटिविटी, ई ई और ए, फिर ए और ई, कम्यूटेटिव भी कह सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कहिए कि ए के साथ ई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए मिल रहा है, और ए के साथ ई को मल्टीप्लाई नहीं मतलब ऑपरेशन लगा रहे हैं तो ए मिल रहा है, यानी कि साफ साफ मतलब ये है कि ई इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। वाई बिकॉज, क्योंकि ए के साथ जब हम ई को ऑपरेट कर रहे हैं तो हमको ए मिल रहा है, जब हम लोग ए के साथ ई को ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे दाएं से चाहे बाएं से, तो हर हालत में ए मिल रहा है, यानी कि ए, यानी कि ई इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट, आप ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर ई ओ ए कर रहे हैं, चाहे ए ओ ई कर रहे हैं, यानी कि दाएं से बाएं से, तो एल एच एस आर एच एस मेरा बराबर है, यानी कम्यूटेटिव है, ऐसा भी कह सकते हैं, है ना। ई ओ बी और बी ओ ई बी के बराबर होना चाहिए, ई ओ सी और सी ओ ई सी के बराबर होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशंस को फॉलो कर जाए कोई भी ग्रुप या कोई भी सेट, पहले तो सेट है ना, लेट जी बी दिस है ना, ये जो है कि पहले तो सेट है, पहले सेट है समझ लीजिए, अगर ये सेट है ना, अगर इस चीज़ को सेटिस्फाइड करता है, पहला बात इसको करना चाहिए, तब इसको हम लोग कहते हैं कैलिन्स फोर ग्रुप, कैलिन्स फोर ग्रुप कहते हैं। और मैं प्रूफ करूंगा आपको कि ये ग्रुप भी है, ये ग्रुप है, मैं प्रूफ करूंगा, और साथ ही साथ ये एबिलियन ग्रुप भी है, ये भी मैं प्रूफ करूंगा, ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। आइए देखिए, देन जी कॉमा ओ, ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, इज एन एबिलियन ग्रुप विथ आइडेंटिटी ई, यानी कि ये एक जो है कि एबिलियन ग्रुप है जिसका आइडेंटिटी एलिमेंट ई है ना। अब चलिए इसको समझते कैसे, तो देखिए बाबू, ई ओ ए किए बाएं से है ना, और दाएं से ए ओ ई, आपस में ऑर्डर चेंज करके किए, दो एलिमेंट है ई और ए, दो एलिमेंट है जी का, और दोनों एलिमेंट में ऑपरेशन ए लगाए है ना, कम्यूटेटिव चेक कर रहे हैं, तो मुझे जो है कि दोनों का वैल्यू सेम आया, दोनों तरफ का, इसका भी एल एच एस का वैल्यू ए आया, आर एच एस का वैल्यू ए आया, इसका मतलब कहीं ना कहीं कम्यूटेटिव है, इसीलिए एबिलियन है, और एबिलियन है तो ग्रुप है ही है ना, तो एबिलियन ग्रुप हो गया। चलिए इसको प्रूफ भी करते आइए, देखते कैसे प्रूफ करेंगे। प्रूफ, द अबव बाइनरी ऑपरेशन ओ इज द गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल, तो इस बाइनरी ऑपरेशन ओ दिया हुआ है, और ये जो गिवन मेरा जो सेट है जी, उसको हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए कैसे देखिए,
देखिए, ओ ऑपरेशन है, ए बी सी लिख देंगे, है ना, इसको कंपोजिशन टेबल की मदद से, फिर ई ए बी सी लिख देंगे। ई को अगर हम लोग ए के साथ ऑपरेशन करेंगे तो हमको ए मिलेगा, और ई को हम लोग बी के साथ ऑपरेशन करेंगे तो बी मिलेगा, ई को ऑपरेशन करेंगे सी के साथ तो सी मिलेगा, ए को ए के साथ ऑपरेशन करेंगे तो ई मिलेगा, क्योंकि यही तो प्रॉपर्टी है कैलिस ग्रुप का। और ए और बी के साथ ऑपरेशन करेंगे तो सी मिलेगा, ए और सी के साथ ऑपरेशन करेंगे तो बी मिलेगा, बी और ए के साथ ऑपरेशन करेंगे सी मिलेगा, बी और बी के साथ ऑपरेशन करेंगे ई मिलेगा, बी और सी के साथ ऑपरेशन करेंगे ए मिलेगा, सी और ए के साथ ऑपरेशन करेंगे बी मिलेगा, सी और बी के साथ ऑपरेशन करेंगे ए मिलेगा, सी और सी के साथ ऑपरेशन करेंगे तो ई मिलेगा। फ्रॉम दिस टेबल इट इज एविडेंट दैट, इस टेबल से मुझे यह एविडेंट मिल रहा है, सबूत मिल रहा है। क्या सबूत मिल रहा है, आइए देखिए। एक नंबर, जी इज क्लोज्ड है, ये सबूत मिल रहा है। पहला सबूत कैसे मिल रहा है, तो फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू जी, कोई भी अल्फा बीटा ले लीजिए, है ना, जी से, ये जी है तो जी में से कोई भी अल्फा बीटा ले लीजिए। अल्फा बीटा मतलब यहाँ पर ई ए बी सी है, कहने का मतलब तो हम लोग ए और बी जनरली हम लोग नहीं दिखा पाएंगे, कि कोई भी हम लोग ऐसा नहीं कह पाएंगे कि ए और बी ले लीजिए इसमें से, इन जनरल दिखाते थे ना, मतलब जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 है, कुछ भी है, तो मैं बोलता था कि ए बी कोई भी ले लीजिए एलिमेंट जी से, तो उसके लिए ए ऑपरेशन बी बिलोंग करेगा जी में, ये मैं कहता था। तो यहाँ पर वो नहीं कह पाऊँगा क्योंकि ए और बी और सी और ई है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अल्फा बीटा टाइप का कोई भी एलिमेंट जी से ले लीजिए उधार, और उसमें ऑपरेशन ओ लगाइए, तो ऑपरेशन ओ लगाने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी जी में ही बिलोंग करेगा। अब कोई भी एक एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए ना भाई, ए और बी उठाया, ए और बी बिलोंग कर रहा था जी में, दोनों में ऑपरेशन ओ लगाया तो सी मिला, और सी भी जो है कि इसी सेट जी का है, यानी कि यहाँ पर क्लोजर को सेटिस्फाइड कर रहा है जी, है ना, इसीलिए लिख दिया मैंने फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू जी, अल्फा ऑपरेशन बीटा बिलोंग करेगा जी में। दूसरा, एसोसिएटिव होगा ही होगा, कन्फर्म है, जी इज एसोसिएटिव, क्यों, क्योंकि सिंस अल्फा बीटा गामा में तीन एलिमेंट उठा लिया इससे, ठीक है, अब अल्फा बीटा में ऑपरेशन लगाएंगे और उसको उस ऑर्डर को पहले सॉल्व करेंगे, फिर ऑपरेशन ओ, फिर गामा को सॉल्व करेंगे, अल्फा और ऑपरेशन, फिर बीटा और ऑपरेशन, ये बॉय नहीं है, ये बीटा ऑपरेशन गामा को सॉल्व करेंगे, ये सभी अल्फा बीटा बिलोंग, अल्फा बीटा गामा बिलोंग कर रहा जी, उसके लिए ये चीज़ सेटिस्फाइड होगा। एक एग्जांपल लेके देख लीजिए, ए बी सी बिलोंग कर रहा है जी में, तो मैं ए ओ बी और ओ सी ऑपरेशन सी, फिर ए ओ बी ऑपरेशन सी लगा रहा हूँ, तो ए ओ बी क्या है, देखिए तो जरा, ए ओ बी सी के बराबर है, तो यहाँ पर सी लिख दिया, फिर ऑपरेशन ओ और सी, फिर ए ऑपरेशन, फिर बी ओ सी किसके बराबर है, देखिए तो बी ओ सी किसके बराबर है, तो ए के बराबर है, ए के बराबर है, तो सी ओ सी, सॉरी सी ऑपरेशन ई ऑपरेशन ओ सी, और ए ऑपरेशन ओ ए, तो सी ओ सी, अरे बाबा, सी ऑपरेशन सी और ए ऑपरेशन ओ किसके बराबर आ गया, मतलब ये इसके ई के बराबर है, देखिए तो जरा, सी ओ सी ऑपरेशन सी, हाँ सी ऑपरेशन सी कहाँ गया जी, सी ऑपरेशन सी ई के बराबर है, और ए ऑपरेशन ओ ई के बराबर है, तो ई बराबर ई आ गया, एलएचएस आरएचएस बराबर आ गया, इसका मतलब एसोसिएटिव है, हैंस इट इज एसोसिएटिव, फर्दर यू कैन यू मे चेक, और इसके बाद अगर आपको चेक करना है तो यू आप चेक कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हो, है ना, अब करना है तो कर लीजिए। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चेक, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी चेक करेंगे, द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अच्छा आप बोलोगे कि यहाँ पर ऑपरेशन ओ है सर, हाँ सर ऑपरेशन तो ओ है, ठीक है, तो आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्यों बात कर रहे हैं, तो देखिए बाबू एक बात याद रखिएगा, जब कभी भी जैसे कि ऑपरेशन ओ है, ये ऑपरेशन पूरा फुलफिल डिफाइंड नहीं है, यानी कि ये ऑपरेशन ओ तो बोल रहा है एक जनरल ऑपरेशन है, बट ये नहीं कह रहा है कि ये मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन है, या एडिशन वाला ऑपरेशन है, या डिवीजन वाला ऑपरेशन है, या सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन है, या कुछ ये कह ही नहीं रहा है कि मैं क्या हूँ, तो उस केस में याद रखिएगा एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन सिलेक्ट करते हैं, उस स्टैंडर्ड ऑपरेशन को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन कहते हैं। तो जब कहीं भी कोई ऑपरेशन नहीं दिया रहे, या फिर ऐसा इस टाइप का अगर ऑपरेशन दिया रहे, तो जहाँ कहीं भी अगर ज़रूरत पड़े, जैसे कि आइडेंटिटी निकालना है, तो बिना ऑपरेशन के तो नहीं निकाल पाएंगे, है ना, बिना कोई एक स्पेसिफिक ऑपरेशन के तो नहीं निकाल पाएंगे, है ना, तो इसी वजह से मैंने बोल दिया कि चलिए आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन है, क्योंकि वही एक जनरल स्टैंडर्ड ऑपरेशन होता है। तो द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज जी, इज ई, है ना, मैंने मान लिया कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, वो ई है। दिस इज क्लियर फ्रॉम द फर्स्ट रॉ, फर्स्ट रॉ से ही ये क्लियर है, देखिए ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट रॉ में देखिए, फर्स्ट रॉ है ना, तो
एक थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर होता ई है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको सुधार कर देता हूँ। यहाँ पर होता बी, यहाँ पर होता बी और यहाँ पर होता सी। चलिए इसको मैं सुधार कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ई ओ ई कहने का मतलब ई और ई में ऑपरेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, ई मिलेगा, और ई में ए को ऑपरेशन करेंगे तो फिर ए मिलेगा, और ई में बी को ऑपरेशन करेंगे तो बी मिलेगा, और ई में सी को ऑपरेशन करेंगे तो सी मिलेगा, ए में ई को ऑपरेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा, ए में ए को ऑपरेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, है ना, ए में ए को ऑपरेशन करेंगे तो क्या मिलेगा। देखिए तो जरा, ए में ए को ऑपरेशन किया तो ई मिला, है ना, ए में बी को ऑपरेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, सी मिलेगा, ठीक है ना, और ए में सी को ऑपरेशन करेंगे तो बी मिलेगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल, फिर बी में ई को करेंगे तो बी मिलेगा, बी में ए को करेंगे तो सी मिलेगा, बी में बी को करेंगे तो ई मिलेगा, बी में सी को करेंगे तो ए मिलेगा, और सी में ई को करेंगे तो सी मिलेगा, और सी में ए को करेंगे तो बी मिलेगा, सी में बी को करेंगे तो फिर ए मिलेगा, और सी में सी को करेंगे तो ई मिलेगा। एक बार चेक कर लेते क्या ये सही है, चेक कर लेते हैं। ई ए बी सी, ए ई ए ई सी बी, हाँ सही है, बी सी ई ए सी बी ए ई, हाँ चलिए सही है। तो ये हुआ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चलिए तो अब क्या है, द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज ई, दिस इज क्लियर फ्रॉम द फर्स्ट रॉ। तो फर्स्ट रॉ में देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ई है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, ई है, ठीक है ना, तो ये बात है। इसी वजह से मैं कह सकता हूँ कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। और वैसे भी अगर आप थोड़ा सा अलग टाइप से देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। देखिए तो ज़्यादा ध्यान दीजिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्यों है, क्योंकि बी में अगर हम क्या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, बी में हम क्या मल्टीप्लाई करें, बी में हम क्या मल्टीप्लाई करें, बी में बाएं से क्या बी में बाएं से क्या मल्टीप्लाई करें, बी में दाएं से क्या मल्टीप्लाई करें कि बी में कोई बदलाव नहीं आए। तो आइडेंटिटी आइडेंटिटी, और ये कैलिन्स का प्रॉपर्टी होता है कि ई ओ बी करो चाहे बी ओ ई करो तो बी ही मिल रहा है, बी ही मिलेगा, या सी ओ ई करो या सी ओ ई, मतलब देखिए ऑपरेशन ओ है ना, ई ओ सी करो चाहे सी ओ ई करो, यानी कि आप एलएचएस तरफ से आप आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करो चाहे एलएचएस तरफ से आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करो, सी में मल्टीप्लाई यानी कि ऑपरेशन करो, ठीक है, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, तो आपको सी ही मिलना चाहिए, मतलब सी में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, यानी कि ई इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो वही मैं लिखा हूँ, द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज ई, है ना, दिस इज क्लियर फ्रॉम दिस फ्रॉम द फर्स्ट रॉ, फर्स्ट रॉ से ही क्लियर है कि फर्स्ट रॉ में आइडेंटिटी है ना, सेकेंड रॉ में भी आइडेंटिटी है, ई और ई को ऑपरेट किए तो ई मिला, ठीक है, ए और ई को ऑपरेट किया तो ए मिला, ठीक है। अब देखिए है ही है तो यहाँ से ही पता चल रहा है, और ध्यान दीजिएगा फिर क्या करूँगा मैं, जैसे ई और बी को ऑपरेट किया तो बी मिला, मतलब बी में कोई बदलाव नहीं लाया, नहीं आया, इसका मतलब बी में कोई बदलाव नहीं आ रहा, इसका मतलब ई इज़ द आइडेंटिटी, ई और सी को ऑपरेट किया तो सी मिला, यानी कि ई इज़ द आइडेंटिटी, कोई बदलाव नहीं आया सी में भी। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अब आगे देखिए, एवरी एलिमेंट हैज गॉट ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, प्रत्येक एलिमेंट का अपना अपना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना। देखिए समझिएगा इस बात को, ऐसे भी आप समझ सकते हो कि देखिएगा है ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, प्रत्येक एलिमेंट का अपना अपना मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। जैसे जैसे क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या क्या सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब, देखिए बी में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, मल्टीप्लिकेटिव हाँ दी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वगैरह वगैरह, ये हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का बात कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। तो समझिएगा इस बात को, हम इसी समझाते हैं, एवरी एलिमेंट हैज गॉट ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, प्रत्येक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्यों, सिंस चूंकि ई अकर्स इन एवरी रॉ एंड एवरी कॉलम। सुनिए
ई जो है कि प्रत्येक रॉ में आ रहा है। देखिए इस रॉ में भी आ रहा है ई, इस रॉ में भी ई है, इस रॉ में भी ई है, इस रॉ में भी ई है, और इस रॉ में भी ई है, ई है। अब प्रत्येक कॉलम में भी आ रहा है, देखिए इस कॉलम में भी ई है, 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 और इस कॉलम में भी ई है। तो कहने का मतलब प्रत्येक रॉ और प्रत्येक कॉलम में ई है, इसका मतलब ये कि ई कब आता है, ई कब आता है, जब कोई किसी का इनवर्स होता है, कोई किसी का इनवर्स होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है या फिर कोई भी ऑपरेशन लगता है, तब मेरा ई आता है। यानी कि यहाँ पर एक दूसरे का ईच एंड एवरी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसी वजह से प्रत्येक रॉ और प्रत्येक कॉलम में आइडेंटिटी मिल रही है। तो वही चीज़ मैं लिखा हूँ, एवरी एलिमेंट हैज़ गॉट ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सिंस ई अकर्स इन एवरी रॉ। ई क्या कर रहा है, अकर हो रहा है, आ रही है प्रत्येक रॉ में एंड प्रत्येक कॉलम में, इसी वजह से यहाँ पर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब पांचवा नंबर, वो आपको शो करके नहीं दिखाना है, जैसे कि आप शो करके दिखाते थे कि ए में हम क्या ऑपरेट करेंगे, है ना, अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ओ, ऐसा करके दिखाते थे ना, ए में हम लोग क्या, ए में क्या हम लोग ऑपरेट करेंगे अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ओ, या फिर ऐसा करते थे कि हम ए तो बिलोंग कर रहा है जी से, फिर करते थे क्या कि ए में क्या ऑपरेट करेंगे अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ओ, या इसमें क्या ऑपरेट करेंगे, है ना, ए में अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ओ, जिससे कि वो मेरा क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, तभी हम उस ए, तभी हम उस एलिमेंट को ए का इनवर्स कहेंगे, यही सब चीज़ ना चलता है। तो ये बात है, तो इसमें क्या ऑपरेशन करेंगे, ये सब चीज़ करके दिखाना कि कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर बात करें कि इसमें क्या ऑपरेशन करेंगे प्रत्येक एलिमेंट, तो सिंपल ही लॉजिक है, ए में हमको ए ही ऑपरेट करना पड़ेगा तभी तो हमको आइडेंटिटी ई मिलेगा, ए में हमको ए ही तो ऑपरेट करना पड़ेगा तभी तो हमको ई मिलेगा। देखिए ना, अकॉर्डिंग टू दिस इसमें यही तो है बात किया है, इसमें तो यही बात किया है, है ना, तो इसका मतलब प्रत्येक एलिमेंट अपना ही इनवर्स है। लो कर लो बात, इस कैलिस ग्रुप में क्या होता है कि प्रत्येक एलिमेंट अपना ही इनवर्स होता है, है ना, यही बात है। तो अब बी में क्या ऑपरेट करेंगे जिससे कि आइडेंटिटी मिल जाए, तो बी ही ऑपरेट करेंगे, सी में क्या ऑपरेट करेंगे जिससे कि मेरे आइडेंटिटी मिल जाए, तो सी ही मल्टीप्लाई कर, सी ही ऑपरेट करेंगे इस ऑपरेशन के साथ। तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया है एक्चुअली में है क्या ये कैलिस ग्रुप। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस प्रत्येक एलिमेंट का एग्जिस्ट कर रहा है सिंस ई अकर्स, ये मैंने बता दिया। अब मैं पांचवा दिखाऊंगा कि ये एबिलियन है चूंकि कम्यूटेटिव को सेटिस्फाइड कर रहा है, मोर ओवर जी इज कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव भी है, है ना, अब आगे देखते हैं तो पता चलता है कि कम्यूटेटिव है, सिंस जी इज सिमेट्रिकल अबाउट द डायगोनल लाइन फ्रॉम द लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम। आइए लेफ्ट टॉप लेफ्ट, ये देखिए लेफ्ट लेफ्ट टॉप लेफ्ट टॉप लेफ्ट टॉप, ये वाला हो गया राइट बॉटम, ये वाला हो गया राइट टॉप में, देखिए राइट बॉटम में देखिए ई है यहाँ पर, और लेफ्ट टॉप में देखिए यहाँ पर, और ये देखिए ई जो है सिमेट्रिकल है, है ना, इधर भी उतना ही पार्ट है जितना इधर वही पार्ट है, मतलब ई के तरफ भी वही पार्ट है, देखिए ए ए बी बी, और ये बी है यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, मतलब जो पार्ट में इधर में, मतलब जो बॉक्सेस में इधर एलिमेंट है वही बॉक्सेस में उधर भी एलिमेंट है। इसका मतलब ये कि आपस में सिमेट्रिकल कब होता है, आपको एक बात मालूम होना चाहिए, आपस में सिमेट्रिकल तभी होता है जब ये कम्यूटेटिव हो जाए, है ना, मतलब इसके एलिमेंट, इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट को मैंने ऑपरेट किया तो ज़रूर मुझे क्या मिला होगा, ई मिला होगा। ठीक है, और मतलब ऐसा आप समझिए ना, देखिए समझिएगा समझिएगा, कम्यूटेटिव में क्या है, कोई भी दो टो एलिमेंट को ले लीजिए, कोई भी दो टो एलिमेंट को ले लीजिए, ले लिया मैंने क्या किया काम, ए लिया और बी लिया, ए ऑपरेशन बी किया तो मुझे क्या मिला, सी मिला, अब बी ऑपरेशन ए करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, सी मिलेगा, क्योंकि ये तो रूल है ना, ये तो कैलिस ग्रुप का रूल है, हम क्या करें, मेरा कोई दोष नहीं है इसमें, ए ओ बी किया तो मुझे क्या मिला, सी मिला, अब बी ओ ए किया तो भी मुझे सी मिला, तो यानी कि इसमें LHS, ये वाला पार्ट LHS है मेरा, ये वाला पार्ट मेरा RHS है, ये बराबर आया, और LHS RHS बराबर होता है तो यानी कि कम्यूटेटिव होता है, ऑर्डर चेंज करके बनाए तो भी ये बराबर आ रहा है, यानी कि कम्यूटेटिव है ना, यानी कि कम्यूटेटिव है जस्ट।
तो यहाँ पर वही चीज़ मैं लिखा हूँ, मोर ओवर जी इज कमुटेटिव सिंस जी इज सिमेट्रिकल अबाउट सिमेट्रिकल। देखिए इसके अबाउट सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, इसको इस पन्ना को अगर हम इसको मोड़ करके इधर चढ़ा देंगे तो इसका मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिखेगा। सिमेट्रिकल मतलब समझते हैं ना, सिमेट्रिक का मतलब जैसे देखिए कोई भी एक स्क्वायर लीजिए उसके डायगोनल से आपस में मोड़ दीजिए तो वो पूरा पूरा उसको जो है कि छुपा लेगा। जैसे समझिएगा बात को, ये हाथ ठीक है और ये हाथ, ये हथेली आपस में सिमेट्रिकल है। जानते कैसे, देखिए एक दूसरे के झाँप लिया है ना, एक जैसा है ना, इसका सिमेट्रिकल एक्सिस कौन वाला हो गया, तो ये बीच से निकल रहा है ये वाला, ये जो है कि सिमेट्रिकल एक्सिस हो गया है ना। इमेजिन कीजिए यहाँ पर सिमेट्रिकल एक्सिस है, तो वही बात है सिमेट्रिकल। तो इसका सिमेट्रिकल एक्सिस क्या हो गया, ओ ई ई ई ई है ना, इसका सिमेट्रिकल एक्सिस क्या हो गया, ओ ई ई ई ई ई, ओ ई ई ई ई है ना सिमेट्रिकल एक्सिस। और ये वाला इसको ऐसे झापिएगा तो ना तो इधर वाला पन्ना उधर को दिखेगा ना तो उधर वाला पन्ना इधर को दिखेगा, आपस में मुड़ जाएगा, सिमेट्रिकल है ना। दुनिया में बहुत सारा चीज़ सिमेट्रिकल है, पत्ता जो होता है पेड़ पौधा में वो भी सिमेट्रिकल होता है। कोई एक मिड रिब, उसका एक मिड रिब होता है ना, मिड रिब के अबाउट वो सिमेट्रिकल होता है ठीक है। अब बात करेंगे तो इधर पतंग भी जो है कि सिमेट्रिकल होता है, उसका सिक्की मतलब उसका बैकबोन जो होता है ना उसके अबाउट वो सिमेट्रिकल होता है। और मैं बात, हाँ सभी 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 पतंग जो है कि सिमेट्रिकल होता है, नहीं हुआ तो फिर वो है ना इधर उधर अनबैलेंस होकर के उड़ेगा ठीक है ना। तो ये हुआ, तो अब आगे देखिए, मोर ओवर जी इज कमुटेटिव सिंस जी इज सिमेट्रिकल अबाउट द डायगोनल, डायगोनल लाइन के ये सिमेट्रिकल है फ्रॉम द लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम। तो चलिए ये हुआ प्रूफ ठीक है कि ये जो है कि कैलिन्स फोर ग्रुप क्या है कि एवेलियन भी है, एवेलियन है और मैंने प्रूफ कर दिया कि ये ग्रुप भी है। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कैली ग्रुप क्या होता है, और कैली ग्रुप एविलियन भी होता है, और ग्रुप तो है ही ग्रुप है और साथ में एविलियन भी होता है, ये भी मैंने आपको आज के क्लास में बताया। तो आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, बहुत पसंद आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, लेक्चर नंबर 31, जिसमें मैं एक और एग्जाम्पल लूँगा इसी से रिलेटेड। तो चलिए धन्यवाद, आपको आप लोगों ने बहुत समय दिया है ना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।